रेस्पिरेटरी सिस्टम से आज फिर और नया प्रोडक्ट ओमरॉन का आपके लेके आए। ओमरॉन का मॉडल है बीपी का अपर आर्म बीपी मॉनिटर से HEM 7121। लास्ट टाइम हमने देखा था HEM 7121 के, ये है सिर्फ 7121। इसमें और उसमें क्या फर्क है? ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें एक जैसी हैं। इसमें एक तो मेमोरी फंक्शन आपको ज्यादा मिल जाता है, 30 मेमोरीज इसमें मिलती हैं। इरेगुलर हार्ट बीट डिटेक्शन आपको इसमें मिलेगा, ऐसा कुछ मतलब आइकन उसमें आए इरेगुलर हार्ट बीट डिटेक्शन, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। हाइपरटेंशन इंडिकेटर इसमें आ जाता है, जब हाइपरटेंशन इंडिकेटर इसमें जलेगा तो आप इसको सिस्टोलिक या डायस्टोलिक प्रेशर जो आपका नॉर्मल रेंज से बाहर है, तो हाइपरटेंशन इंडिकेशन भी आपको इसमें मिलेगा। और इसमें जो है वो बॉडी मूवमेंट डिटेक्शन भी मिलेगा, ताकि बॉडी मूव करने से जो बीपी है वो नहीं आता है, फ्लक्चुएट कर जाता है, वो आप इसमें ये सारी चीज़ें आपको एडिशनल मिलती हैं काफ़ी सारी। और इसमें कफ जो है, कफ ठीक लगा है नहीं लगा है उसका भी ओके का आइकन उसमें आपको दिखेगा, कफ ठीक से है या नहीं है वो आप इसमें देख सकते। इसकी MRP देखें तो MRP इसकी है 3280 रुपये, 3280 जो है इसकी MRP है। और इसमें एक फीचर और है कि ये पावर अडेप्टर के साथ में है, आप इसको सेल पे भी चला सकते हैं और पावर अडेप्टर से भी चला सकते हैं। कई बार टाइम बे टाइम आपके सेल खत्म हो गए, बैटरी खत्म हो गई, आप इसको यूज नहीं कर पाते, तो इसमें ये ऑप्शन है कि आप इसको पावर अडेप्टर से यूज कर सकें। तो खुलने पे आपको मिलेगा एक पावर अडेप्टर और इसमें निकलेगा एक बीपी कप एडल्ट, जिसका साइज है 22 से 32 सेंटीमीटर के करीब, इसका साइज है 9 से 13 इंच। सब जगह इसमें इंडिकेशन है ओमरॉन के बीपी कप में, ये अच्छी बात है, सब जगह सब कुछ लिखा है, साइज लिखा है, मॉडल पार्ट नंबर लिखा है, सेंटीमीटर्स में इंचेस में कहाँ पे राइट पोजीशन है उसको लगाने का, एरो भी इसमें दिया है कहाँ पे क्या चीज फिक्स होना है, ये सब इसमें मेंशन। और इसमें मिलेगा आपको ये बबल रैप में मशीन रैप है, फिर ये पॉलिथिन है इसमें, ये स्क्रीन है, ये ऑन ऑफ बटन है, ये मेमोरी के लिए मेन्यू के लिए बटन है, यहाँ से कप कनेक्ट करेंगे और ये डीसी पावर अडेप्टर के लिए पॉइंट दिया गया। पीछे इसमें सीरियल नंबर और स्पेसिफिकेशन थोड़ा सा लिखा हुआ है, मेड इन वियतनाम है, इसमें जो हमारे फीचर इसका स्पेसिफिकेशंस हैं, कफ रैपिंग गाइड है फीचर, इसमें 30 मेमोरीज हैं, हाइपरटेंशन इंडिकेटर है, बॉडी मूवमेंट डिटेक्शन है और इररेगुलर हार्ट बीट डिटेक्शन है। मेजरमेंट मेथड जो है वो ऑस्टियोमेट्रिक मेथड है, ब्लड प्रेशर रेंज है 22-280 mmHg, मेजरमेंट रेंज है पल्स 40-180 beats per minute, एक्यूरेसी है +-3 mmHg, पल्स की जो है +-5% ऑफ रीडिंग है, बैटरी लाइफ है, कैपेसिटी ऑफ न्यू अल्कलाइन बैटरीज अप्रॉक्सीमेटली 1000 मेजरमेंट्स आप इससे ले सकते हैं, पावर सोर्स जो है वो 4 AA अल्कलाइन बैटरीज हैं 1.5 वोल्ट की,
और एसी अडाप्टर है, ऑप्शनल। इनपुट है 100 to 240 volt, 50-60 hertz। कंसोल वेट है अप्रॉक्सीमेटली 250 ग्राम, 250 ग्राम। कफ जो है इसका 22 से 32 सेंटीमीटर बड़ा है। और पैकेज है, उसमें पैकेज में मेन यूनिट होगा, आर्म कफ होगा, AA बैटरीज होंगी 4, और इसमें आपको पावर अडाप्टर मिलेगा और इंस्ट्रक्शन मैनुअल इसमें आपको साथ में मिलेगा। ये वारंटी कार्ड इसमें मिलेगा आपको एक, और इसमें ऑनलाइन आपको ये स्कैन करके वारंटी रजिस्टर करना है, और 1 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी मिलेगी। 2+3 वारंटी आती है इसमें, 2 ईयर्स की स्टैंडर्ड है, और 1 ईयर की जब आप स्कैन करके इसको रजिस्टर करेंगे तब आपको मिलेगी। और इसके अंदर एक आपको ये गिफ्ट कार्ड मिलता है, इनका कुछ हेल्थ का ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका सब्सक्रिप्शन जो है कुछ पेड है कुछ फ्री है, ये आप देख सकते हैं। इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। और हमें मिलता है इसके अंदर इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल, यूजर बुक जो है वो है। अब हम इसको ऑन करके देख लेते हैं। इसके अंदर पहले हम बैटरीज डालेंगे, बैटरी जो है हम लोग दूसरा यूज कर रहे हैं, नई मशीन का नहीं खोल रहे हैं। बैटरीज के लिए पोलैरिटी आपको देखना है, प्लस माइनस जिधर स्प्रिंग है उस साइड ये प्लेन साइड डालना है, और जिधर स्प्रिंग नहीं है उस साइड इसका ये कैप वाला पॉइंटेड साइड रखना है। प्लस माइनस पोलैरिटी देख के लगाने है, सेल एक सीधा है एक उल्टा है, लगा के आप इसको ये वापस कंपार्टमेंट को बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद में कफ हम लोग इसमें कनेक्ट करेंगे। कफ कनेक्ट करने के लिए आपको इधर इसमें इंसर्ट करके इसको पुश करना है, और पावर अडेप्टर अगर आपको पावर से चलाना है तो पावर आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी पहले हम सेल से देखते थे, फिर एक बार पावर अडेप्टर से भी चला के देखेंगे। पावर अडेप्टर जो है इसका आउटपुट जो है 6 वोल्ट 700 mA का है। अब हम इससे पहले अपना मेजरमेंट देख लेते हैं, इसको कफ पहनेंगे पहले। कफ पहनने के टाइम में ये बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, लूज भी नहीं होना चाहिए, 2 फिंगर इसमें चली जाए इतना लूज रखना है। और ये जो ट्यूबिंग है इसको पाम के हाफ के यहाँ पे इसको इस जगह पे रखना होता है, इसको पीछे नहीं घुमाना है, इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे ट्यूबिंग को। और अब हम पहले इसको मेजरमेंट देखते हैं, इसको बटन दबाएंगे। ऑन कर दिया हमने, ऑन करने पे ये रीडिंग ऊपर नीचे जाना शुरू हो जाएगा। बेस्ट तरीका है आप लेट के लें या बैठ के लें बीपी, जैसा पहले भी बताया था, इसको हार्ट के लेवल में आपको इसको रखना होता है बेस्ट रीडिंग लेने के लिए। और आपको हिलना नहीं है, बात नहीं करनी है, खांसी नहीं करनी है, अगर आप मूवमेंट करेंगे तो आपका जो रीडिंग है वो ठीक नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए ओके का आइकन आ रहा है, बात कर रहा था आराम से बैठा नहीं इसलिए एरर आ गया, एरर 5। अब हम दोबारा करते हैं, यहाँ पे देखेंगे ओके का आएगा, अगर कफ आपका ठीक से प्लेस है, कफ ठीक से लगा है तो यहाँ पे ओके आ जाएगा, कफ लूज होगा या ठीक से नहीं होगा तो वो एरर देगा। फिर से हम लोग एक बार ऑन करते हैं, अब मैं बोलूँगा नहीं, ये देखिए यहाँ पे जो ओके आ रहा है, ओके का मतलब है कफ हमारा बिल्कुल ठीक लगा है।
150/100 मेरा बीपी थोड़ा हाई रहता है, हाई ही आएगा। तो ये हमारा सिस्टोलिक आ गया, नीचे डायस्टोलिक है, उसके नीचे हार्ट बीट है, पल्स रेट हमारा आ जाता है, और हार्ट जो ब्लिंक कर रहा है, ये ब्लिंक इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जो है नॉर्मल रेंज से बाहर है। नॉर्मली जो रेंज है 120/80 होता है, सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 mmHg रहता है, ये बहुत ज्यादा है, इसलिए ये हार्ट ब्लिंक कर रहा है। तो इसलिए आप, अगर आपका ये यहाँ पे हार्ट ब्लिंक कर रहा है, तो आप इसको डॉक्टर को विजिट करना है आपको, कि आपका बीपी ज्यादा है। और हार्ट बीट डिटेक्शन आपको इररेगुलर, यहाँ पे एक वो इंडिकेशन भी आ जाएगा, अगर आपका हार्ट बीट इररेगुलर होगा तो ऐसा यहाँ पे इंडिकेशन बन के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे ये जैसा कि यहाँ पे दिखाया है, ये यहाँ पे इंडिकेशन आ जाएगा अगर आपका हार्ट बीट इरेगुलर है, ऊपर बन के आ जाए। और तीसरी चीज, अगर आपका बॉडी मूवमेंट डिटेक्शन है, ये बॉडी मूवमेंट डिटेक्शन यहाँ पे दिखाएगा, जैसा कि अब हम इसको करके देखते हैं। फिर से ऑफ किया, फिर से ऑन किया, अभी मैं हाथ पाथ खिलाऊंगा अपना, ये बॉडी मूवमेंट डिटेक्शन बता देगा शायद। मैंने हाथ स्टेबल नहीं रखा है, हाथ में हिला रहा हूँ, थोड़ी मूवमेंट ज्यादा हम लोग कर रहे हैं, देखते हैं अभी ये बताता है कि। E5 दे रहा है इसमें, ऊपर तो ऐसा बॉडी मूवमेंट नहीं दिखाया है। E5 क्या एरर है, वो शायद बॉडी मूवमेंट का ही होगा, वो हम मैनुअल में देखेंगे। E5 जो एरर हमने देखा था, वो इसमें दिखा रहा है कि E5 ये क्लोथिंग जो है इंटरफियर करता है इसको, इसलिए E5 एरर था। इसमें एरर कोड्स दिए हैं इसके यूजर मैनुअल में, तो हम एक बार और इसको करके देखते हैं, बॉडी मूवमेंट डिटेक्ट करता है कि नहीं करता है। टू एरर अब इसने दिया है, E2 क्या है, बॉडी मूवमेंट का तो अलार्म है। E2 एरर जो है वो बॉडी मूवमेंट का ही एरर है, यहाँ पे लिखा है E2 मूवमेंट ड्यूरिंग मेजरमेंट एंड द आर्म कफ हैज नॉट बीन इंफ्लेटेड सफिशियंटली। ये एरर सारे देता है, मतलब डिटेक्ट कर रहा है बॉडी मूवमेंट। अब हम फिर से नॉर्मली बैठ के इसको एक रीडिंग लेते हैं, हम हिलेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। और एक इसमें इंटेलिजेंस करके फीचर है, इंटेलिजेंस जो है कफ जो है आपका बॉडी के अकॉर्डिंगली जो है ये अपना प्रेशर उस हिसाब से इंफ्लेट करता है ताकि आपको बहुत ज्यादा पेन ना हो। ये इसका इंटेलिजेंस फीचर है, ये इनके ओमरॉन के सारे बीपी में ही है, जितने भी बीपी ऑपरेटर्स हैं इनके। पहले 150 और 100, शायद 102 आया, ऑलमोस्ट सेम रीडिंग्स दे रहा है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी हमने कोई मूवमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो इसने बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग दे दिया। अब इसको हमें अगर मेमोरीज देखनी है इसमें, तो ये मेन्यू बटन है, इसको प्रेस करेंगे हम, ये एक मेमोरी आ गई। इसमें क्या दिखाया, इसमें
ये बीपी का पहला रीडिंग आया था, पल्स रेट है, नीचे कफ ओके है, हार्ट ब्लिंक कर रहा है, हार्ट ब्लिंक कर रहा है मतलब इसको बीपी आपका रेंज से बाहर है, इसलिए आपको डॉक्टर विजिट करना चाहिए। फिर से प्रेस करेंगे, नेक्स्ट रीडिंग दे देगा। ऐसे प्रेस करते जाएंगे तो ऐसे 30 रीडिंग्स आप इसमें देख सकते हैं जो स्टोर हुई है। और अगर आपको इसको पूरा रिमूव करना है, मेमोरी पूरी वो करनी है, तो आप ये दोनों बटन इसको प्रेस करिए और दूसरा बटन भी दबा दीजिए। कुछ सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो ये पुरानी मेमोरीज इसमें से चली गई। अब देखिए इसको बटन दबाया हमने, कुछ नहीं आ रहा है, वो आप रिमूव भी कर सकते हैं। एक बार हम इसको पावर एडेप्टर से भी ऑन करके देख लेते हैं। अभी ये पावर अडेप्टर हमने कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे। अब इसको सेल हम इसके निकाल देते हैं। क्योंकि हम और पावर अडेप्टर से इसको चला के देख रहे हैं। ये ऑन किया, ये पावर अडेप्टर से चल रहा है। डीसी 6 वोल्ट इसको चाहिए। अभी भी उतना ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर रीडिंग्स दे रहा है। तो ऐसा नहीं है, लोग बहुत सारे बोलते नहीं डिजिटल बीपी जो है रीडिंग ठीक नहीं देता है, बिल्कुल ठीक रीडिंग्स दे रहा है। जितनी बार भी आप दे रहे हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, 1-2 पॉइंट का डिफरेंस है। ये हमने पावर अडेप्टर से भी इसको चला के देख लिया। बाकी सारी इंस्ट्रक्शन और एरर कोड जो है सारा, हाउ टू यूज, कैसे बैठना है, कैसे क्लीन करना है, कैसे सारी इंस्ट्रक्शन इसमें दी हैं। तो यूज़ करने से पहले आप इसको भी एक बार पढ़ सकते हैं, कोई एरर आ रहा है तो उसके कोड भी इसमें है, किस चीज़ का एरर है, ये आप इस पढ़ सकते हैं। थैंक यू।